आज हमारे साथ हमारे गुरुमा में इस रियासत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम सरदार मसूद खान साहब सदर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर तशरीफ फरमा है। अल्लाह इनके आने को और फिर हम सब के इस नमाज जुमा को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जहाँ हम जाफिया दारुलूम बलंदरी में खुश आमदेद कहते हैं, वहाँ मैं इस सोसाए जहबिया को गरीबत जानते हुए ये कहने की कोशिश करूँगा कि आज जो एक सियासी आलूदगी और आज जो मौसम के अंदर एक तरह की बू महसूस हो रही है और वो बू मुझे तकसीब कश्मीर की लग रही है। मैं रियासत का एक बाशिंदा होने की हैसियत से इस सबक को दोहराना चाहता हूँ कि रियासत एक इकाई का नाम है और लोग इसे आलमी दबाव आलमी जब्त में रहकर अगर इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली की कोशिश की गई तो रियासत का कोई फर्क उसे कबूल नहीं करेगा। लिहाजा हम ये समझते हैं कि आपने इस कज़िया कश्मीर को लेकर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक भरपूर किरदार अदा किया। आपने इस मसले को समझाने के लिए दुनिया भर के आसमान की हमारे लिए ये लायक तहसीन है, हमारे लिए ये काबिल इत्मीनान बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे भाई को ये एजाज दिया कि वो आलमी इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत उसका एक अरसे तक तर्जुमान रहा। ये उन्हें एजाज रहा कि वो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत उसके सफीर की हैसियत से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपना किरदार अदा करते रहे। इतने किरदार अदा करने के बाद आज मैं समझता हूँ कि उनके जिम्मे जो सबसे अहम सफारतकारी लगी है और वो सबसे अहम सफारतकारी अब कज़िया कश्मीर है कि कज़िया कश्मीर के सफीर बनकर जहाँ आपने इस कज़िये को मुतारफ करवाया वहाँ पर हम ये समझते हैं कि आप एक जानदार एक शानदार आवाज बनकर कश्मीरियों के इस हक को जहाँ जो आलमी ताकतों ने कबूल कर रखा है इस इस्वावे राय जो कश्मीरियों का बिल इत्तेफाक मौकिफ है उसकी तरफ जहाँ आप अपना किरदार अदा करेंगे वहां पर न सिर्फ ये कि उस किरदार को अपनाने के लिए आज जो तकसीम कश्मीर में कहीं गलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की आवाजें आ रही हैं, कहीं कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की आवाजें आ रही हैं। मैं समझता हूँ ये इकतदार आनी जानी चीजें होती हैं, सदारत रियासत वजारत ये आज है कल नहीं है, लेकिन सरदार साहब किरदार क़यामत तक बाकी रहता है, किरदार हमेशा रहा करता है। आज उम्मत आज की कश्मीरी कौम आपसे उस किरदार की मुतमन्नी है कि पूरी कुव्वत के साथ पूरी जुर्रत और पूरी हिम्मत के साथ किसी तकसीम के फार्मूले को यह कौम कभी कबूल नहीं करेगी। मैं इस सब को इसलिए दोहरा रहा हूँ इसलिए यार फजा के अंदर हमें ये चीजें महसूस हो रही हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें कश्मीरियों की तर्जमानी करने की मकबूजा कश्मीर को आजादी की तौफीक दे। हम तो उसकी आजादी की बात कर रहे हैं, कहीं उसको आजाद करवाते करवाते कहीं हम इसे जो है मदद हो बैठे। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें भरपूर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के आने सुनने को कबूल फरमाए। अगर सदर ग्रामीण को दो बातें करना चाहें तो जरूर कर सकते। आप लोग थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं।